इवेंट मैनेजर के तौर पे काम कर रही थी। वो बॉलीवुड में किस तरह से इस तरह की जो इवेंट्स होते हैं कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है, उस सिलसिले में वो यहाँ पर लगातार रुकी हुई थी। उसके बाद वो चार दिन पहले यहाँ शुक्रवार को मुंबई पहुंची, इस्कॉन टेम्पल पहुंची, वहां तब से रुक रही थी। लेकिन दो दिन पहले यानी रविवार के अहले सुबह ये उसके साथ घटना घटी है। उसके बाद उसने पहले इसकी जानकारी अपने दोस्तों को दी, उसके बाद जब दोस्तों ने उसे कन्विंस किया तो उसकी जानकारी उसने बाद में आके पुलिस थाने को दी। हालांकि शुरुआती तफ्तीश में पुलिस मामला मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में जब महिला का मेडिकल टेस्ट कराया गया उसमें साफ तौर से इस बात की पुष्टि हुई है कि इस महिला के साथ बलात्कार तो नहीं हुआ लेकिन जबरदस्ती की कोशिश जरूर हुई है। तो इसके बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। निशाद, निशाद, यहां मैं आपको एक रोकना चाहूंगा। यहां दो बातें बड़ी अहम निकलकर सामने आ रही है। जो शख्स शक के घेरे में है, क्या वो इसकी पुरानी जान पहचान वाला है? और दूसरा ये बात कि जो सीसीटीवी जो पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, क्या उनकी तफ्तीश की गई है? उनमें से पुलिस को कुछ मिल सका है? जी बिल्कुल। देखिए, ब्रिजेश, पूरे मामले में एक एक्टर है, उनके पुत्र है, 60 के दशक के बड़े मशहूर एक्टर है, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। वो उस महिला को काफी दिनों से जानते थे और वो अक्सर उनके आसपास देखे जा रहे थे, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उस एक्टर के बेटे का रोल क्या है। लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि हम उस एक्टर के बेटे के साथ साथ कुल 13 लोगों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि महिला के साथ जबरदस्ती की कोशिश जरूर हुई है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरा है जो रिसेप्शन से लेकर दूसरे प्रेमिसेस में जो लगे हुए हैं वहां उसको सीज कर लिया गया है, मुंबई पुलिस ने सीज कर लिया है। और उसके बाद उसमें भी तफ्तीश कर रही है कि कौन लोग देर रात वहां गए थे, कौन लोग उस कमरे तक पहुंचे थे, और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर कौन वो शख्स हो सकता है जिसने इस महिला के साथ बलात्कार की कोशिश की, इस तरह की हरकत की। क्योंकि जो महिला है उनका साफ तौर से कहना है कि जब वो कमरे में अकेली थी तभी कोई कुछ लोग जो है जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद अंदर घुसे, उनको फिजिकली असॉल्ट किया, उनके साथ काफी मारपीट की गई है, और उसके बाद कोशिश की है उस शख्स ने, उसके बाद जब उसने शोर मचाया तो वो वहां से भाग गया। लेकिन इस्कॉन के अधिकारी साफ तौर से इस बात से मना कर रहे हैं कि किसी तरह का शोर शराबा वहां नहीं हुआ है, लेकिन मुंबई पुलिस उनके इस बात को नकार रही है। उन्होंने शुक्रिया आपका भी, और अशोक आपका भी शुक्रिया। और एक बार यहां फिर अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई के जुहू इलाके के इस्कॉन मंदिर गेस्ट हाउस में ठहरी एक अमेरिकी महिला के साथ बलात्कार की कोशिश की गई है। इस मामले में एक एक्टर के शामिल होने की पुलिस को आशंका है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 13 लोगों को हिरासत में लिया है, साथ ही इस्कॉन मंदिर के सीसीटीवी कैमरे को भी अपने कब्जे में ले लिया है। पीड़ित महिला के मुताबिक सोमवार को जब वो मंदिर परिसर के अपने कमरे में मौजूद थी तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही पीड़ित महिला ने दरवाजा खोला, आरोपी जबरदस्ती अंदर घुसाया और उसके साथ बलात्कार की कोशिश की। अमेरिकी महिला इस्कॉन मंदिर गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 401 में ठहरी हुई थी।